Good morning, everyone. Welcome back to our channel. Say good morning. Good morning. Smiley उठ चुकी है, अभी just उठी है Smiley. और Smiley पता है, आज हमारे घर की मालकिन Smiley है, क्योंकि जब तक Smiley की मम्मा नहीं आती, Smiley जो जो बोलेगी वही बनेगा, जो जो बोलेगी वही सब लोग करेंगे. Yeah. So what you have to eat in breakfast? Watermelon and pasta. वाटरमेलन तो सच में मम्मी ने काटा है, मैं लेके भी आई हूँ. और ओके ठीक है, चलो पास्ता बनाएंगे आज. कौन बनाएगा पास्ता? मैं, क्योंकि आप ही एक्सपर्ट हो पास्ता की, एक मम्मा नहीं है. हाँ मतलब ये बोल रही कि मम्मा नहीं है तो आप भी एक्सपर्ट हो पास्ता के लिए. मेरे को पास्ता बनाना आता है, मतलब काम चलाओ तो बना ही सकती हूँ. तो ठीक है, आज Smiley की सारी विशेस पूरी की जाएंगी. yes. तो चलो उठ जाओ, जल्दी जल्दी ब्रश कर लो. वाटरमेलन भी Smiley का फेवरेट है और मम्मी ने वाटरमेलन काट दिया है. कैमरा हिला रही है. चलो उठ जाओ, ब्रश कर लो फटाफट, उसके बाद वाटरमेलन खाते हैं. मैं वाटरमेलन अपना लेके आ गई हूँ, एज ऑलवेज चाट मसाला और इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के. Smiley हाँ वैसे कल आपको मैंने खिलाया था ना, चाट मसाला के साथ अच्छा लगा था ना. जल्दी जल्दी चलो उठो, ब्रश कर लो फिर खाना है. जैसा कि Smiley ने विश किया था कि पास्ता बनेगा आज नाश्ते में, तो पास्ता तो मैंने बना दिया है, पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई. एक्चुअली मिस्टेक नहीं, इट्स अ ब्लंडर. मैंने पास्ता इंडक्शन पे चढ़ाया हुआ था, मम्मी पूजा उजा कर रही थी तो इसलिए मैं उनको बोली भी नहीं. तब तक मेरे फ़ोन पे कॉल आया पार्सल आने के लिए. मैं मतलब इंडक्शन मेरा एकदम फुल फ्लेम पे था और मैं पार्सल लेने चली गई. मैं जब तक अंदर आई तब तक पास्ता का कांड हो चुका था, पूरा धुआं उसमें से निकल रहा था. फिर अब तो मैं क्या करती समझ नहीं आ रहा था. फिर ऊपर से मम्मी ने पास्ता निकाला, जो मतलब नीचे का जला हुआ था, ऊपर का नहीं जला हुआ था, और उसको मैंने फिर से दूसरे कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के उसमें उसके बाद सोया वोया सॉस जो भी होता है मैंने डाल के बनाया. मैं आपको दिखाती हूँ उसकी शक्ल. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक तो मैं कुछ बनाती नहीं हूँ और मैं बनाने भी गई तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया मुझे. है पास्ता बड़ी मुश्किल से, इसकी शक्ल तो थोड़ी सुधारी है, अब देखते हैं टेस्ट में कैसा है. Smiley से पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं. Smiley कैसा है? अच्छा है, थैंक गॉड. Smiley देवी को पसंद आया. मैंने बताया नहीं था कि पास्ता जल गया है, क्योंकि अगर इसको पता चल जाता था तो नहीं भी टेस्ट में कुछ फर्क आता तो भी बोलती कि मासी जल गया है, और अभी तक हमने नहाया नहीं. सोचा कि पहले बना लेते हैं उसके बाद नहा लेंगे, क्योंकि पीछे ना कुछ काम चल रहा है तो उधर आदमी लोग हैं तो सॉरी गाइस मेरी Smiley भी ब्लॉगर बन रही है, तो अभी आज हम नाश्ता करने के बाद नहाएंगे, है ना. मैं और Smiley साथ साथ ही नहाएंगे. yeah. वैसे अक्सर मतलब हमेशा से ही नहाती हूँ. मजा आता है. वो कर्टन से ना तुम्हारे बाल ऐसे उठ गए, जॉम्बी बन गई तुम. तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं. छत पे आ गए हैं हम, शाम को बहुत अच्छी हवा चलती है छत पे, अच्छा लगता है. तो हम सोचे कि शाम को थोड़ा छत पे जाके बैठते हैं, मम्मी भी आ रही हैं, इसलिए मैं पहले ही 3 चेयर लेते आई अपने लिए, Smiley के लिए और मम्मी के लिए. तो सच में छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, साथ में कुरकुरे भी लेके आए, क्योंकि छत पे कुछ खाते पीते मतलब बैठ के कुछ खाते पीते बात करने में अच्छा लगता है. चाय वाय तो नीचे ही पी चुके हैं, तो अभी मम्मी आ ही रही हैं. Smiley भी आ गई. से हेलो. हेलो. अभी फिर से ना लिया क्या? ये जब भी लाइट रहती है ना तो Smiley टूलू से कई बार आती रहती है. तो बैठो, मैं देखो कुरकुरे लेके आई हूँ, एक मेरा एक Smiley का. हम लोग छत पे आते तो सोचते कुछ कुछ खाते पीते ऐसे बैठ के बात होती रहेगी. वैसे चाय वाय तो हमने नीचे ही पी लिया, मम्मी भी आ ही रही होंगी. मेरे को सबसे मेरा पूरे दिन का ना जब भी मैं छत पे आके बैठती हूँ मेरा फेवरेट टाइम होता है जब मम्मी होती हैं छत पे. सब लोग दीदी रहती है तो दीदी भी होती हैं छत पे, आराम से बैठते हैं कुछ खाने की चीज़ मतलब स्नैक्स वगैरह. Smiley बोल रही है कान में, बट आज तो दीदी नहीं है. मेरी मम्मा. अभी सोप नहीं लगाया ना Smiley ने? कौन सा? सिर्फ पानी से नहा गई है ना. हाँ. पर मैं साबुन से ही नहाई थी. बहुत स्वेट आ गया था. मम्मी भी आ ही रही होंगी, तो बस यही चल रहा है अभी. बहुत टेंशन चल रही है जिंदगी में, कपड़ा सिलेक्ट कर रही है. माँ काम कर रही है. हाँ आ रही होगी माँ. माँ का भी चेयर लेके आई हूँ मैं. तो अभी टेंशन इस बात का चल रहा है कि हमें कहीं पे जाना है, बहुत सारे ड्रेसेस सिलेक्ट करने हैं, कुछ सिलेक्ट हो नहीं पा रहा है.
ऑप्शन बहुत सारे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ रख लो। तो इसीलिए बहुत कुछ चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं, कहाँ जाना है वो भी जल्दी बताएंगे। मतलब मैं तो अभी बता दूँ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ जाना है, दीदी को भी जाना है, तो पता नहीं अभी ये डिस्क्लोज करना है कि नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बाकी जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ बता सकते तो मैं बता दूँगी। ऐसे मुझे तो कुछ ऐसा छुपाने वाला सस्पेंस वाला कुछ ये सब रहता नहीं है। तो तभी आ चुकी हैं मम्मी, ना अपनी वीडियो लेने से मना करती हैं, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बहुत फ़नी सा रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है कि मेरी मम्मी ना गर्मियों में कॉटन की ही साड़ी पहनती है घर पे, मतलब कॉटन की ही पहनती है, और हमेशा मम्मी चार साड़ी कॉटन की, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं आवास देती हैं, जो मतलब रेगुलर पहनना होता है। तो अक्सर होता है ना कि मैं जिस दिन मम्मी को व्लॉग में लेती हूँ तो वही मम्मी रिपीट पे साड़ी पहन रही होती है, मतलब जैसे आज कोई साड़ी पहना कल दूसरा पहना, तो कल नहीं ले पाती मैं, फिर परसों लिया तो वही साड़ी मम्मी ने पहना, तो मम्मी बोलती एक ही साड़ी में लोग क्या बोलेंगे कि एक ही साड़ी, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, जिसमें कंफर्टेबल होते हैं लोग घर पे वही सब पहनते हैं। आप लोग बताइएगा, मेरी मम्मी को मोटिवेट कीजिएगा। मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को? वही बोलेंगे जिस दिन मैं ये साड़ी पहनती हूँ अपने ब्लॉग में मेरे को लेती है, तो आप लोग बोलेंगे कि एक ही साड़ी आपकी मम्मी पहनती है। नहीं कोई नहीं बोलेगा, मेरी मम्मी जो भी पहने अच्छी लगती हैं, अपने कंफर्ट जोन में होना चाहिए ना, जो आपको कंफर्टेबल हो, क्या ज़रूरत है दिखाने का? नहीं दिखाना नहीं है, फिर भी पुराने साड़ी में तो आराम। आज तो हमने मैचिंग मैचिंग पहना है मेरी मम्मी ने, कंफर्टेबल होता है पुरानी साड़ियों में, कॉटन की साड़ी। हाँ आज भी मैंने बरसों बाद अपना ये जो घाघरा है ये इसका कलर फेड हो गया है, मम्मी तो कई बार एकदम फेंकने वाली होती है मैं फेंकने नहीं देती हूँ किसी को देने के लिए, क्योंकि नहीं था लेकिन निकाल के लाया। कई बार ऐसा होता है कि मेरे कपड़े ना मैं जब दूसरे मतलब जो मतलब उधर के बच्चे होते हैं उनके शरीर पे देखती हूँ तो बोलती अरे ये तो मेरा कपड़ा है, फिर मैं पूछती मम्मी ऐसे मेरे पास देना, तो मम्मी बोलती तुम्हारा ही है, तुम्हें बता के देते तुम देने नहीं देती, क्योंकि जो कपड़े जितने ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना मुझे उनसे और ज़्यादा लगाव हो जाता है, मुझे लगता है जितने पुराने कपड़े होते उतने ज़्यादा वो कम्फर्टेबल होते हैं, तो इसलिए मम्मी मेरे को डांटती रहती है। तो एक ही कपड़ा 2-3 साल पहनती रहे, गर्मी के कपड़े गर्मी में और जाड़े के कपड़े जाड़े में। तो ये वाला जो आज मैंने स्कर्ट पहने इसका कलर फेड हो गया है, और मैंने ढूंढ के कहाँ से निकाला है मैं ही जानती हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है, कपड़े वपड़े दिखाना किसको दिखाना है अपने, दिखाना नहीं है फिर भी अच्छा लगना चाहिए ना, कलर कपड़े इतने हैं नहीं होता ही है आजकल सबके पास होता है, तो मैं ये बोलती हूँ कि लड़की हो थोड़ा नहीं ये तो मैं मानती हूँ, जैसे ना कपड़े बहुत सारे रहते हैं याद नहीं आते रखे रहते हैं, लेकिन जो ऊपर रहता है ना जो यूज में रहता है बार बार वही रिपीट करते हैं हम, क्योंकि कंफर्टेबल हो जाता है और ऊपर रहता है, मेरा तो ये है ना जो ऊपर दिख गया मैं वही पहन लेती हूँ, इस चक्कर में तो बहुत पुराने पुराने कपड़े कब से पड़े हुए हैं, मैं भूल भी जाती हूँ मेरे पास ये कपड़ा, कभी वीडियो वगैरह में देखो तो याद आता है कि अरे मेरे पास तो ये भी है ना मैं ये भी पहन सकती हूँ, कभी ऐसा होता है, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि लड़कियों के पास तो बहुत सारे कपड़े होते ही हैं, लड़कों के पास ही शॉर्टेज होती है कपड़ों की, पर लड़कियों के पास तो भर भर के कपड़े होते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, सब लोग बैठ के बात बात करेंगे, ऐसी हाहाई होगी। बज गए हैं रात के लगभग 10 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, वैसे तो हम इतना लेट नहीं करते हैं खाना खाने में, लेकिन आज लेट हो गया, दीदी से बात बात होने लगी, हम सोच रहे थे वीडियो कॉल पे बात करते तो आप लोग को भी दिखाते, मतलब मैं रिकॉर्ड कर लेती, बट दीदी के वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे नेटवर्क उतना सही नहीं रहता है, तो वीडियो कॉल पे बात नहीं हो पाई, बस नॉर्मल कॉल पे ही बात हो रही थी, और ब्लॉग भी अपलोड करने के लिए उनको काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, जीजू कहीं जाके उधर ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहाँ पे, हो सकता है जिस सिम का नेटवर्क जिस कंपनी का नेटवर्क रहता होगा वो दीदी का नहीं है, दीदी का दूसरा जो जियो का है जियो का वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, तो अभी बात बात हो गई है, स्माइली भी मस्त अभी अपने मामू के पास है तो खाना खा रही है वो, हम भी हो गई, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या है वो खाना, अभी रोटी और बाकी सारी चीज़ें लेके आ रही है, एक्चुअली दिन का आज दाल बचा हुआ था तो मम्मी उसमें थोड़ा तड़का लगा के इसको गर्म कर ले रही है, क्योंकि मम्मी ने अपने लिए पापा के लिए भुजिया आलू और करेले की भुजिया बनाई है कि दाल के साथ वो ये वाला करेला और आलू का भुजिया उन लोग को अच्छा लगता है, तो उन्होंने सोचा कि दाल रोटी और भुजिया खा लेंगे, मैं तो करेला खाती नहीं उतना, मम्मी ने मेरे लिए पनीर भुर्जी बना दी, दही है ही मेरे लिए और ये आलू और करेले की भुजिया है, मम्मी दाल में भी तड़का लगा रही, मम्मी खा लेंगी दाल भुजिया और रोटी,
और मैं करेला नहीं खाती, तो मेरे घर में जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ बन जाती जो मैं उतना नहीं खाती हूँ, तो मम्मी क्या करती है फटाक से थोड़ा सा दूध लेके उसका पनीर बना देती हैं और मेरे लिए पनीर भुर्जी, क्योंकि मुझे पनीर भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये वाली भुजिया में मैं सिर्फ करेला नहीं खाऊंगी, आलू तो मैं खाऊंगी चुन चुन के, तो दही के साथ मेरे को भुजिया रोटी हो तो दही और हो, मतलब दही हो भुजिया रोटी हो तो मैं बहुत अच्छे से खा लेती हूँ। तो अभी चलते हैं खाना खा लेते हैं। तो अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं। स्माइली दूध पी के सो भी गई, आज वो जल्दी ही सो गई, तो इतनी जल्दी नहीं सोती है, लेकिन थक गई थी क्योंकि दिन में उसने बहुत मस्ती की, तो अभी वो सो गई है। और अभी हम लोग भी मम्मी दूध लाने गई हैं, हम लोग दूध पी के फिर मैं जाऊँगी पीछे अपना फेस वॉश करूँगी लगाऊँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। मम्मी आ ही गई तो एक मेरे लिए दूध और एक मम्मी अपने लिए, बाकी सबको मम्मी ने दूध दे दिया, पापा वापा गुड्डा जी सब लोग ने दूध पी लिया, सब लोग सो गए। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे होता है ना हमारे घर में कभी भी होता है, मम्मी कुछ भी बनाना होता है तो बोलती हैं कि थोड़ा सा भले मेहनत करना पड़े और बना लो। जैसे मैं भुजिया नहीं खाती, करेला नहीं खाती, तो मम्मी ने फटाक से थोड़ा सा दूध का पनीर बना के पनीर भुर्जी बना दी। ऐसे जब भी प्याज का पकौड़ी हम लोग खाने का मन करता है, मम्मी थोड़ा सा भी वो नहीं करती, थोड़ा भी मेहनत कर दो, अच्छे अच्छे से खा लो। मम्मी बोलती हैं कि कुशल गृहिणी बनो, कुशल गृहिणी मतलब थोड़े में भी ज़्यादा करके अगर करने को सुविधा मिलता है अच्छा से खा लेते हैं सब, तो अच्छा होता है। तो मम्मी ऐसा ही करती है हमेशा, मतलब जब भी कुछ भी होता है बनाना होता है तो मम्मी वो नहीं करती हैं, तुरंत फटाक से बन जाता है कर देती हैं, क्योंकि सोचती है कि थोड़ा सा कर देने से सब लोग अच्छे से खा लेंगे। और बोलती मम्मी कि जो किचन में होता है ना वो 10 हैंड यूज़ करो, मतलब होते तो 2 हाथ ही हैं लेकिन वो 10 हाथों की शक्ति लेके रखो, फटाफट फटाफट कोई भी काम करो, प्लीज़ सुस्ती से नहीं करो, ये तो धीरे धीरे करते करते आदत पड़ जाएगी। ये सब सीख है जो मैंने अभी तक ली है, बाकी आप भी अगर जुड़े हुए हैं तो धीरे धीरे आप तक भी सीख हमारी पहुंचती रहेगी। तो इस वाले व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अभी हम सो जाते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। मम्मी गुड नाइट बोल दीजिए, बाय।